हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन। बच्चों, आपको मैं आज तीन एक्सरसाइज तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। पर्सनल वाली करवा दी है, रिफ्लेक्सिव करवा दी है और डेमोंस्ट्रेटिव करवा दी है। बच्चों, आज है इनडेफिनेट प्रोनाउन की जो एक्सरसाइज है। देखिए, इसका जो इसमें क्या है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन, आपको मालूम है इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, जिसमें कि कोई एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन जो हो नहीं बताया गया हो तो उसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसके कुछ है जैसे मैनी है, फ्यू है, बोथ है, ऑल है, सम है, अदर्स है, ये क्या है, हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। देखिए, इसमें 300 guests वर एक्सपेक्टेड फॉर द पार्टी बट डिड नॉट टर्न अप, तो इसमें हम क्या कर देंगे, मैनी, यानी बहुत से लोगों ने जो है उसको नहीं उसका जवाब दिया। ब्लैंक का जाएगा, सेवरल ऑफ द गेट्स सेंट अ रिप्लाई एक्सप्रेसिंग देयर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, यानी कई जो गेस्ट थे उन लोगों ने जो है रिप्लाई भी किया अपनी इनएबिलिटी का पार्टी में अटेंड होने का। बट ऑल डिड नॉट डू दिस, लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया। व्हेन वी अराइव्ड एट द पार्टी, जब हम पार्टी में पहुंचे तो नन ऑफ द होस्ट्स वर प्रेजेंट, यहाँ क्या आएगा, नन ऑफ द होस्ट्स प्रेजेंट। There were two men standing on the stage, दो मैन खड़े हुए थे, वो क्या कर रहे, both were testing the mic, यहाँ पर क्या आएगा, both आएगा, both were testing the mic। Sixth में आएगा, some of the guests who had arrived early were sitting silently in chair, यानी जो कुछ जो guests थे जो जल्दी आ गए थे वो कहाँ बैठे हुए थे, चेयरों पर बैठे हुए थे, कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सम ऑफ द गेस्ट्स वर स्टैंडिंग इन कॉर्नर टॉकिंग इन विस्पर, और कुछ जो थे मेहमान आए हुए थे वो एक कोने में खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। वी ऑल्सो स्टूड वॉचिंग अदर्स, हम भी खड़े होकर अन्य लोगों को देख रहे थे। एज वी डिड नॉट नो मैनी ऑफ द पीपल प्रेजेंट, जैसे कि हम बहुत से लोगों को जो है उपस्थित थे उनको नहीं जानते थे। देर वॉज नथिंग एल्स वन कुड डू, ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट में हमारा मैनी आएगा, सेकंड में हमारा सेवरल आएगा, थर्ड में हमारा एवरीवन भी कर सकते हैं या ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ में हमारा नन आएगा, NONE, नन। सिक्स्थ में हमारा ऑल, सेवन्थ में सम, एट्थ में अदर्स, नाइन्थ में मैनी और टेंथ में वन, ONE, ठीक है। अब है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताई दिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। ईच जो है दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, नाइदर या दोनों में से कोई भी नहीं, और आइदर का यूज हम करते हैं कि दोनों में से कोई एक। और ये भी बताया था मैंने आपको कि इसमें जो है जो अब ये सब अपने आप में अकेला होता है, तो अब जो है इनके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हमारे सिंगुलर में ही लगेगी, क्योंकि ये हमारे वर्ड जो क्या आएंगे, सिंगुलर में आएंगे। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर में ही लगेगी। तो ईच चाइल्ड, इसके साथ क्या आएगा, वॉच आएगा। गिवन ए प्राइज ऑन द एनुअल डे, एवरीबडी के साथ ईच आएगा। इज प्रेजेंट इन द स्कूल्स एज ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू गो टू द पिकनिक, नोबडी के साथ है जाएगा। नोबडी हैज सीन द कल्प्रिट हु ब्रोक द स्कूल फर्नीचर, नाइदर ऑफ द टू बाइसिकल्स, ईच आएगा। इज इन गुड कंडीशन, संबंध है जाएगा इसके साथ, और एवरीवन इन द ग्रुप, वॉच आएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारे सिंगुलर है तो इनके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब लगेगी वो हमारी सिंगुलर में ही लगेगी। अब है हमारी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव आपको बताया था कि वे वर्ड जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू, कि तुमने क्या करने का निश्चय किया है, तो व्हाट आ जाएगा। विद ब्लैंक वर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे थे, तो विद हुम आ जाएगा। ऑफ दिस सारिस डू यू लाइक, अब देखिए हमने यहाँ पर विच का यूज़ किया है, आपको बताया था कि विच जो है सिलेक्शन के लिए काम आता है, जैसे किसी चीज़ों में से चुनाव करना होता है तो विच का यूज़ करते हैं। विच की हिंदी क्या होती है बच्चों, कौन सा, ठीक है। तो विच ऑफ दिस सारिस डू यू लाइक, तुम कौन सी साड़ी पसंद है तुम्हें। हु डू यू थिंक इज बेटर डिबेटर, यहाँ पर ये होती है कि तुम्हारे विचार से जो है बेटर डिबेटर है, तो क्या जाएगा, कौन, कौन तो क्या हुआ जाएगा। विच एक्सीडेंट वर यू डिस्कसिंग, यानी एक्सीडेंट के बारे में कि तुम कौन से एक्सीडेंट की बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो विच आ जाएगा यहाँ पर। सिक्स है हमारा,
यू डू नॉट नो रफीक, एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो एकदम आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम रफीक को नहीं जानते हो, तो यहाँ पर क्या जाएगा वॉट। सेवंथ है इज स्वीटर देन हनी, तो हनी से स्वीटर यानी हनी से मीठा क्या होता है, तो वॉट आ जाएगा। वे शुड बी टर्न, तो हमें ये रास्ता हमें किस रास्ते से जाना चाहिए, तो वीच आ जाएगा। डू यू वॉन्ट टू मीट, तो आ जाएगा हुम। डू यू वॉन्ट टू मीट, किससे मिलना चाहते हो, तो हुम। और टू हुम शुड आई गिव दिस मैसेज, कि ये मैसेज जो है तुम्हें किसे देना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हुम आ जाएगा बच्चों। तो आज आप जो है ये इंडेफिनिट की, इंटेरोगेटिव की और डिस्ट्रीब्यूटिव की, ये वाली तीन एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर कल मैं आपको जो है रिलेटिव की एक्सरसाइज समझा दूँगी। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।